हाय, आई एम आकांक्षा अवस्थी और आप लोग देख रहे हैं भोजपुरी बातें। भोजपुरी बातें के दर्शकों के लिए मेरा ढेर सारा सा प्यार उनके लिए। थैंक यू वेरी मच। मैं अजय श्रीवास्तव, आप सब लोगों को नमस्कार। फिल्म के बारे में अभी मैं क्या बताऊँ, मैं कभी कॉन्सेप्ट कभी भी जैसे आप लोगों को पहले ही पता होगा बताया नहीं आज तक, तो आज भी नहीं बताऊँगा। जी कुछ तो बताइए, फिल्म का मुहूर्त क्या गया, स्टार कास्ट के बारे में बताइए। स्टार कास्ट में है यश मिश्रा है, जैसा कि आप लोग पीछे देख रहे हैं पोस्टर में, और एक लड़की खड़ी है पीछे मुंह घुमा के, वो पता नहीं कौन होगी, देखते हैं कौन मिलती है। प्रोड्यूसर्स में हम लोग तीन चार लोग हैं, विनय तिवारी, जावेद शेख, सुशील वर्मा, जावेद अहमद सिख लोगों से मुझे ज़्यादा प्यार है जावेद अहमद और मैं खुद थोड़ा बहुत मिलजुल के बना रहे हैं हम लोग। स्टूडियो में हो रहा है मुहूर्त, तो क्या यहाँ गाने की आज रिकॉर्डिंग वगैरह भी होने वाली कुछ इस तरह से है? हाँ, इसके बाद हम लोग थोड़ा सा करेंगे गाने की रिकॉर्डिंग। तो कैसे होगा गाना, कैसा होगा गाना? एक ऐसा मूड पे गाना है ना कि मतलब कई बार ना दहेज के चक्कर में बहुत सारे लोग बूढ़े हो जाते हैं, तो एक आदमी है जिसको 40 साल तक पहुंच चुका है और यश उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि भैया शादी कर लो यार, तो बोलता है कि हमारे जो पिताजी है वो कहते हैं जब तक दहेज आएगा नहीं तब तक हम शादी करेंगे नहीं। जी, तो वो उनको समझाते हैं उनके पिताजी को, तो उस थॉट को लेके ये गाना रिकॉर्ड होता है। दामाद जी किराए पर है, कुमार जी किस रूप में नजर आ रहे क्या? मुझे लगता है अब एक तो थोड़ा सा भोजपुरी में ना तो ठाकुर साहब और उनकी बहन के पीछे भागने वाले कॉन्सेप्ट से हम लोग थोड़ा सा अलग हटके ला रहे हैं। ये एक मतलब एक अगर मैं एक लाइन में कहूँ कि एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के ऊपर ये फिल्म है पूरी। तो कैसे होगी शूटिंग, कहाँ स्टार्ट होगी, कब? इसकी शूटिंग करेंगे हम लोग यूपी में 14 जनवरी से। जी, और यश कुमार जी का लुक कैसा होगा इसमें? वो तो फिल्म बनने के बाद जब वो फर्स्ट लुक डालेंगे तब पता चलेगा ना, अभी कैसे बता दूँ कैसा लुक होगा। और स्टार कास्ट के और अमित शुक्ला हैं, रोहित सिंह मटरू हैं, बाकी जो लोग अपने हमारे कैमरामैन हैं देवेंद्र तिवारी जी हैं, तो ये सब चीज़ें होंगी। छोटे पापा म्यूजिक में हैं। हीरोइन का चेहरा नहीं दिखाया गया है। हाँ, आपको भी मतलब ये सवाल पैदा होता है ना मन में कि क्या बात है, वो पीछे मुड़ी है, बस वही सोच कर। जितनी सारी हीरोइनें हैं वो अपना अपना नंबर देने के लिए खड़ी होंगी कि मेरे को ले लो, कोई नहीं देता है ऐसा। इसके लिए आपने ये सब किया? मैं ढूंढूंगा अभी जिसका नंबर मैं ले सकूँ। चलिए, सस्पेंस है। तो ये फिल्म किस प्रकार की रहेगी थोड़ा बहुत, क्योंकि दामाद जी किराए पर है, तो दामाद जी तो सबके घर में दामाद होते हैं। जी, 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 पर ये किराए पर क्यों है, क्या इसकी वजह? देखिए, फिल्म तो फुल एंटरटेनिंग होगी इसमें, लेकिन थोड़ा सा एक मैसेज होगा इसमें कि कहीं ना कहीं क्या प्रॉब्लम होती है हीरो के साथ कि वो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में फंसता है। जी, और वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का जो सीक्रेट वो मैं लीक नहीं कर सकता, करूँगा तो फिर मजा खराब हो जाएगा। चलिए ठीक, ऑडियंस से क्या करना चाहिए इसमें? आना देखना आप लोग, यूट्यूब पर देखना बंद करो, थिएटर में आओ प्लीज़। अच्छा, किराए पर। दिल से धन्यवाद आप सभी को, और जितने भी भोजपुरी के जनता जनार्दन हैं सब लोगों को यश कुमार का बहुत 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 बड़ा प्रणाम है। और बाकी का आप लोगों के सवाल के बाद, किराए पर क्यों? बहुत लोग तो दामाद बनने के लिए बहुत उत्साहित रहते हैं, लेकिन ये किराए कैसा होगा? देखिए, परमानेंट दामाद बन करके तो सब लोग देख चुके हैं कि क्या होता है। मैं पहली बार एक्सपीरियंस करने जा रहा हूँ कि किराए पर जब दामाद रहता है तो क्या एक्सपीरियंस होते हैं। उन एक्सपीरियंस को भुनाने के लिए, वास्तविक जीवन में महसूस करने के लिए मैं किराए पर दामाद बन करके जा रहा हूँ, और बड़ा एक्साइटेड हूँ क्योंकि इसकी कहानी जब अजय श्रीवास्तव जी ने सुनाई थी तो मुझे लगा कि नहीं यार कुछ अलग है ये फिल्म, और टाइटल भी अलग है। जैसे आप लोग देख रहे हैं दामाद जी किराए पर हैं, अब तक दामाद जी ससुराल में है, दामाद जी बम्बई में है, दामाद जी दिल्ली में है, दामाद जी बेंगलोर में, अमेरिका में है सुना था, अब दामाद जी किराए पर है। इंटरेस्टिंग टाइटल है तो फिल्म भी इंटरेस्टिंग होगी।
क्या लुक रहेगा सर, ये साफा बांध के दिन भर रहेंगे या कुछ और भी लुक रहे? नहीं, साफा तो वही दिन बनाई जाइए, ब्याह हो ओकर बाद से साफा खोलिए, ओकर बाद जिंदगी की कशमकश भरी जो चीज़ें होती हैं, हर वास्तविक जीवन में बड़ी कशमकश भरी जीवन होती है एक बेचारे दूल्हे की, वैसे ही कुछ कशमकश भरी ये फिल्म है जो देखेंगे तो मुझे लगता है कि हर आदमी इसे कहीं ना कहीं अपने दिल के अंदर इस कहानी को बिठाएगा, इस फिल्म को बिठाएगा, इस फिल्म के किरदारों को बिठाएगा, क्योंकि हर किरदार इसके बड़े एंटरटेनिंग है। सर इसमें केवल अभी एक नाम दिखाई दे रहा है, बाकी नाम क्या है, क्या रोज इसमें ऐड होंगे, कैसे होंगे? देखिए ऐसा है कि अगर एक ही साथ पर्दे हटा दिए जाए, सर्कस में जब आप जाते हैं तो सर्कस में सबसे पहले आपको एक जोकर दिखाई देता है जो इंटरटेन करता है, देखिए यह है ना जोकर यश कुमार यहाँ पे, इसके बाद से उस थोड़ी देर जब वो इंटरटेन कर देते हैं तो फिर आपको उसमें एक शेर आता है जो इंटरटेन करता है, फिर हाथी आते इंटरटेन करता है, कुत्ता इंटरटेन करता है, तरीके तरीके की चीज़ें आप लोगों के सामने आती जाती हैं। उसी तरीके से मेरे ख्याल से दामाद जी की राय पर है एक फिल्म, एक के बाद एक पर्दा उठेगा तो एक्साइटमेंट दर्शकों का बनता रहेगा। स्टूडियो में आज हो रहा है, गाना रिकॉर्डिंग हो रहा है, सुना होगा आपने, कैसा है ये गाना? बड़ा मज़ेदार गाना है, जैसा कि उन्होंने बताया कि ये दहेज के ऊपर है, कि मतलब दहेज के लालच मत पड़वा उना तो कुंवारे एकदम रह जीव, और फिर वह हाल होला जो ना कहल चाहते हैं मीडिया के सामने, तो आप दहेज वहेज के चक्कर में मत पड़िए और शादी जब आपको सही टाइम पे सही लड़की मिले तो उससे शादी करके चिपक जाइए। अब बाप माई के चक्कर मत पड़ा, बाप तो जितना पढ़ौले बना जितना सोचे ना कि ब्याह में सगरी वसूल नहीं, जितना बचपन से लड़का के पढ़ाई में खर्चा भेल बैठे, तो बाप का इज्जत करो सब कुछ करो लेकिन उनकी चक्कर मत पड़ो, कहाँ से जिंदगी बर्बाद हो सके। और क्या चीज़ें आपकी आने वाली हैं? देखिए मैं अजय जी के साथ संयोग बनता बनता रह जाता था काम करने के लिए, मैंने परवरिश की उनके साथ में, बड़ा मज़ा आया, मुझे लगा कि यार एक बहुत ही परिपक्व निर्देशक के साथ मैं काम कर रहा हूँ जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, डायरेक्शन का अच्छा नॉलेज है उनको, कॉन्सेप्ट का बहुत अच्छा नॉलेज है उनको, और उनकी टेकिंग बड़ी अच्छी होती है, लोगों से डिफरेंट होती है, तो परवरिश में काम करके मैं बहुत इम्प्रेस्ड हुआ उनसे, और मैं चाहूँगा कि ऐसे निर्देशकों के साथ मुझे हर फिल्म में काम करने का मौका मिले, क्योंकि जब आप एक तजुर्बे वाले लोगों के साथ काम करते हैं तो आपको सीखने का मौका मिलता है। तो परवरिश का एक जो सुखद अनुभव रहा उसको हम आगे भुनाने जा रहे हैं, दामाद जी की राय पर हैं, मुझे वो निर्देशक के रूप में अच्छे लगे, शायद मैं अभिनेता के तौर रूप में उनको कहीं ना कहीं छुआ होऊंगा, ताकि उनकी दूसरी फिल्म में मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ। दामाद जी की राय इस समय जो है सबसे बड़ा भार होता है पैसे का, प्रोड्यूसर के बारे में क्या कहेंगे सर? मैं सिर्फ किसी से भी कहना चाहूँगा, देखिए सबसे पहले तो हमारी फिल्मों का बेड़ा पार करने वाले जनता जनार्दन होते हैं, तो जनता जनार्दन से एक गुजारिश है, निवेदन है आप लोगों से, कि उन्होंने कहा कि सही बात है, वो ठाकुर की बहनों के पीछे कब तक भागेंगे, और ठाकुर कब तक अपनी बहन को बचाने के लिए और अपने ज़मीन जायदाद को बचाने के लिए वही फाइट, वही लहंगा, वही चोली, वही ढोंडी, इन सब चीज़ों से बाहर निकल करके अगर कोई कुछ अच्छा कोशिश करता है तो आप लोग उसको सराहिए, नहीं तो फिर भोजपुरी बंद हो जाएगी, फिर आप लोग कहेंगे कि हमारी जिस भाषा को 35 करोड़ लोग बोलते हैं उस भाषा की फिल्में अगर करोड़ दो करोड़ रुपए की रिकवरी नहीं कर पा रही तो ये शर्मिंदगी निर्देशक और निर्माता की नहीं है, ये शर्मिंदगी उस भाषा को बोलने वाले उन दर्शकों की जो यूट्यूब पर फिल्म को सर्च करते हैं। यूट्यूब से कमाई नहीं होती है मित्र, यूट्यूब से व्यूअर्स आते हैं, YouTube से म्यूज़िक कंपनियां थोड़ा बहुत कमा लेती हैं, लेकिन वो निर्माता जो पैसा लगाता है अपने खून पसीने की कमाई को लगा करके आप लोगों के इंटरटेनमेंट के लिए, आप लोगों के मनोरंजन के लिए 6-8 महीने मेहनत करता है, अपना पैसा भी डालता है, वो कुछ नहीं पाता है, वो उसका रिजल्ट आता है ज़ीरो। तो ऐसे 10 निर्माता 20 निर्माता आएंगे, फिल्म बनाएंगे और वापस चले जाएंगे, हमारी भोजपुरी डूब जाएगी। सर उनको क्या कहेंगे जो बहुत बड़े बड़े बिल्डर बनते हैं, बहुत पैसा खर्च करते हैं यूपी और बिहार में, मॉल बनाते हैं लेकिन सिनेमा हॉल नहीं बनाते हैं, क्यों? सर देखिए मैं आपको, यहाँ सिर्फ कोई भी इंसान जिसके पास पैसा हो अपना पैसा बर्बाद करना नहीं चाहता है। मैं राज ठाकरे का, यहाँ के जो नेता है महाराष्ट्र के, उनको मैं हमेशा से उनका मैं कायल हूँ कि मराठी भाषा की फिल्मों के लिए उन्होंने फाइट किया और मल्टीप्लेक्स वालों को एक हिदायत दे दी कि अगर हमारी मराठी फिल्मों को आप मल्टीप्लेक्स में जगह नहीं देंगे तो हमारे कार्यकर्ता तोड़फोड़ करेंगे और आपके मल्टीप्लेक्स में हम फिल्में नहीं चलने देंगे। उन्होंने किस चीज़ के लड़ा? वो अपने लिए नहीं लड़े, वो मराठी भाषा की उस फिल्म के लिए लड़े, उस पहचान के लिए जो विलुप्त ना हो, लोगों के लिए इंटरटेनमेंट के लिए उस भाषा में फिल्में बनती रहें। वो काम सिर्फ बिल्डर को नहीं करना है, वो काम सिर्फ बिजनेसमैन को नहीं करना, वो काम नेताओं को करना है। आज पीएम नरेंद्र मोदी जी जाते हैं जब बिहार में, उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, मंच पर चढ़ने के बाद बोलते हैं का हाल चाल बा, और दर्शक पगला जाते हैं, मतलब वो मोदी जी के मुंह से भोजपुरी सुनकर के पगलाया जाता है। वो भोजपुरी भाषा मोदी जी जा करके अगर उत्तर प्रदेश और बिहार में बोल सकते हैं तो उसी उत्तर प्रदेश उसी बिहार के राजनेता जब मंच पे ऊपर खड़े होते हैं तो भोजपुरी में क्यों नहीं बोलते हैं?
आप लोग हिंदी में सवाल कर रहे हैं, इसलिए मैं हिंदी में जवाब देना, तो हम तो चाहें नहीं कि हम ठेठ भोजपुरी में जवाब दें। तो हम बस ये कहल चाहब सब जनी से मिला करके, सौ बात का एक बात, कि भैया सबसे पहले राजनेता लोगों के आगे आवे के पड़ी। जितना भी मॉल बा उनमें एकदम कंपलसरी कह दा जा कि भैया भोजपुरी फिल्म चली तबे ही मॉल चली, या ना चली तो मॉल हो ही बंद। तो जिस दिन मल्टीप्लेक्स में इस तरीके की चीज़ें आ जाएंगी, उस दिन मुझे लगता है कि भोजपुरी सिनेमा को फिर रोक नहीं पाएगा कोई, और बहुत जल्दी वो दौर आ जाएगा कि हम 20 करोड़ की फिल्म बना करके 50 करोड़ के रिकॉर्ड। बहुत बहुत शुक्रिया यश कुमार जी। जाते जाते एक सवाल आ रहा है, जैसे कि आपकी फिल्म जो सुपर डुपर हिट हुई थी, एक रजाई तीन लुगाई, कहीं उसके आगे की कहानी तो नहीं है? नहीं, ये एक रजाई तीन लुगाई से इसका कोई लेना देना नहीं है, इसमें एक ही बीवी है, उसमें तीन बीवियां हैं। हाँ, एक रजाई तीन लुगाई पार्ट टू की हम लोग नेक्स्ट ईयर यानी 2020 में शुरुआत करेंगे। हम कहानी पे काम भी कर रहे हैं, क्योंकि मेरी जो जो हिट फिल्म की सीरीज़ रही है, मैं उसका पार्ट टू ज़रूर बनाऊँगा और बनाते रहूँगा। और एक रजाई तीन लुगाई भी अब तक की जो सबसे बड़ी कॉमेडी की हिट फिल्म है, उसका पार्ट टू नेक्स्ट ईयर हम लोग शुरू करेंगे। और ये विनय तिवारी जी और ये सुशील जी, हम लोग इत्तेफाक से एक ही ज़िले के हैं, वो भी पूर्वांचल से देवरिया से हम लोग हैं। और अजय श्रीवास्तव जिस फिल्म के डायरेक्टर हैं, हमसे ज़्यादा दूर नहीं, मुश्किल से 40 किलोमीटर दूर बेलथरा, वहाँ के रहने वाले हैं। तो हम लोगों ने एक प्री प्लान किया कि एक अच्छी खूबसूरत पिक्चर बनाया जाए, और जिसमें हमारे विनय जी, सुशील जी और हम मिलकर साथ एक अच्छी पिक्चर, चूँकि आजकल आप देखते होंगे कि भोजपुरी में ज़्यादातर वर्गल्टी देते रहते हैं, तो इस वर्गल्टी को हम लोग दूर करने की कोशिश करेंगे कि ताकि दर्शक इस पिक्चर को देखे और सराहे कि मैंने एक अच्छी पिक्चर देखा दामाद जी किराए। इसमें कहीं कोई वर्गट्टी, कोई किसी तरह का वो एक चेंज की भावना से हम लोग इस पिक्चर को बनाने जा रहे हैं। और हमारे विनय जी थोड़ा सा जी, देखिए पहली बात मैं ये कहना चाहूँगा कि अजय जी के साथ हम लोग बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं, ये उनके साथ हमारी तीसरी चौथी फिल्म है। और जहाँ तक आप सभी लोग जानते हैं कि अजय जी साफ़ सुथरी फिल्में बनाते हैं, इसके लिए इस समय जो भोजपुरी में जो बल्गर फिल्में बन रही हैं, उससे थोड़ा हट कर, लिख से हट कर हम लोग पिक्चर बना रहे हैं, जिसका नाम है दामाद जी किराए पर, जिसे यश मिश्रा जी हैं। बाकी आप लोग को अजय जी और यश जी पूरी फिल्म के बारे में बता ही दिए हैं, आज एक गाने का रिकॉर्डिंग भी है, बस अभी हम लोग को करने जा रहे हैं। फिल्म के डायरेक्टर अजय श्रीवास्तव जी हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, वो बहुत अच्छे मजे हुए डायरेक्टर हैं, उनकी जो भी फिल्में अभी तक आई हैं, करीब 200 फिल्में किए हैं वो, खेसारी जी के साथ हो या पवन जी के साथ हो या दिनेश जी के साथ हो, आप सभी जानते हैं कि सारी फिल्में एक से एक बढ़कर रही हैं, तो ये फिल्म भी वैसी ही हम बनाने की कोशिश करेंगे। नो डाउट खेसारी जी को लेकर उन्होंने तेरे नाम बनाया था, आप लोगों ने उसको देखा भी था, काफ़ी हिट पिक्चर थी वो। उसके बाद तेरे नाम टू जो 75% कम्प्लीट है, उसमें भी हम लोग प्रोड्यूसर हैं, और उसमें हम चूँकि अजय हम लोग के साथ पहले जुड़े हुए हैं, और हम लोग एक साथ तीन फिल्में करने जा रहे हैं। आज ये मैं आपको खोल रहा हूँ, एक तो तेरे नाम टू कम्प्लीट कर रहे हैं, दूसरी दामाद जी चाहे किराए पे ये, और तीसरी एक अंगारे जो हम लोगों ने मुहूर्त करके छोड़ दिया था, उसको कम्प्लीट करने जा रहे हैं, ये मैं आपको आज खोल रहा हूँ। तेरे नाम टू में डायरेक्टर अजय श्रीवास्तव ही हैं, और हीरो नमित तिवारी, और हीरोइन नाडिया शेख, और हीरा जी हैं उसमें, और भी मिश्रा जी, हाँ, और अधीश मिश्रा जी हैं, और अजय जी भी उसमें एक पहली बार आप लोग के सामने डायरेक्शन के साथ साथ हीरो में दिखाई देंगे। प्रोडक्शन है सर, ये प्रोडक्शन तो अजय जी का ही है, हम लोग का भी इंक्लूड, अभी सब खोलिए मत कोई चीज, आपको सब दिखाई देगा धीरे धीरे धीरे, क्योंकि मैंने भी अभी एक हिंदी बनाया था हम लोगों ने, उसमें जो कि आपने देखा होगा काशी इन सर्च ऑफ गंगा, उसमें मैं एक्सिक्यूटिव प्रोड्यूसर भी हूँ, और हमारे वहाँ से प्रोड्यूसर मिस्टर अग्रवाल भी थे, जो जिसमें शर्मन जोशी, गोविंद नामदेव, मनोज पावा, मनोज जोशी, अखिलेंद्र मिश्रा, ये सारे अच्छे करेक्टर थे, पिक्चर भी ठीक थी। और फिर एक बार लौट के पूरा प्रयास है कि हम अपनी भाषा को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश है कि हम इसे आगे बढ़ाएं और इसे दुनिया के सामने रखें हम इस भाषा को। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।